हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आज क्या हम पढ़ेंगे? ग्रेस ऑफ फ्लो। हमने लास्ट 4 बार मैकेनिज्म देखा था। तो ग्रेस ऑफ फ्लो क्या कहता है कि 4 बार मैकेनिज्म के अंदर जो इसके लिंक है उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हमारे को कंटिन्यूस चाहिए या उनके बीच में कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन होना चाहिए तो उसके लिए एक लॉ सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। वो कौन सा लॉ होता है? हमारा ग्रेस ऑफ फ्लो। अकॉर्डिंग टू ग्रेस ऑफ फ्लो क्या कहता है कि 4 बार मैकेनिज्म के जो सबसे बड़ा लिंक है लेंथ में और जो सबसे छोटा लिंक है, इन दोनों का समीशन किससे कम होना चाहिए? रिमेनिंग टू लिंक्स से। जैसे हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फॉर द कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स इन 4 बार मैकेनिज्म, द समीशन ऑफ शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द अदर टू लिंक्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये वही कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक है उन दोनों की लेंथ का जो समीशन है वो किससे कम होना चाहिए? अदर दो लिंक के समीशन के। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल समझना चाहे कि ये एक 4 बार मैकेनिज्म है, ये एक 4 बार मैकेनिज्म है, ये नीचे से फिक्स्ड है, तभी ये 4 बार मैकेनिज्म कहलाएगा, तभी तो ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको नंबर दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट जो लिंक है वो ये है एस एल, और अदर जो टू लिंक्स है वो है पी और क्यू। तो अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, ये क्या है हमारा 4 बार मैकेनिज्म। ये लॉ कब सेटिस्फाइड होएगा? हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी 4 बार मैकेनिज्म में कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए? जो सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है, जैसे ये एस और एल सबसे लॉन्गेस्ट है, इन दोनों का समीशन किससे कम होना चाहिए? रिमेनिंग दो लिंक के समीशन के, तभी तो हमारा क्या होएगा, लो इज सेटिस्फाइड। अगर ये एस प्लस एल दी लॉन्गेस्ट एंड दी शॉर्टेस्ट लिंक और अदर टू लिंक, इन दोनों की अगर ये लेंथ का समीशन इक्वल होता है तो भी हमारा ग्रेस ऑफ फ्लो सेटिस्फाइड होता है। किस कंडीशन में ये सेटिस्फाइड नहीं होता है? जब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक जो है उनकी लेंथ अदर टू लिंक से ज़्यादा हो या उनकी लेंथ का समीशन अदर टू लिंक से ज़्यादा हो तो ये लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेस ऑफ फ्लो था। नेक्स्ट हम सिंगल स्लाइडर कैंग मैकेनिज्म देखेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।